Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Trinity College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you another and last theory of creativity which has been prescribed in your curriculum, that is Hemisphericity Theory of Creativity. Earlier to this, we have already discussed the Taylor's theory of creativity and the ring theory of creativity of Ranjuli, three ring theory, or you can say theory of giftedness of creativity, and this one is hemisphericity theory. So let's start creativity. देखिए creativity पे बात बहुत हो गई है ना, creativity को हम लोग जान गए हैं, समझ गए हैं, फिर भी चूंकि creativity की ही theory बात की जा रही, तो फिर से थोड़ा सा creativity को जानते हैं कि creativity has been, मतलब शुरुआत यहीं से करते हैं कि सृजनात्मकता क्या है. Creativity has been defined by Sternberg as the capacity to create a solution that is both novel and appropriate. Sternberg ने हमको परिभाषित करके बताया कि सृजनात्मकता वो क्षमता है जिसमें हम किसी सोल्यूशन का पे पहुंचते हैं, कुछ बनाते हैं जो कि नोवेल भी होता है और अप्रोप्रिएट भी होता है, मतलब जो नया भी होता है और सही भी होता है, सटीक भी होता है. क्रिएटिविटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ नॉट ओनली इन द क्रिएशन ऑफ नोवेल थ्योरीज और इन्वेंशंस, बट परमिएट्स अवर एवरी डे एक्शंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड इंटरैक्शंस अमंग पीपल. वो कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ इसमें नहीं झलकती है कि आपने क्या नई थ्योरी बनाई है या कोई क्या इन्वेंट किया है, सिर्फ यही नहीं है क्रिएटिविटी, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के कामों में, हम किसी से बात करते हैं उसकी भाषा को समझने में, लोगों से बातचीत के इंटरेक्शन में भी क्रिएटिविटी दिखती है. दिस बिकम्स क्लियर व्हेन द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बाई चैटरबोट्स, अवतार्स एंड रोबोट्स इज अटेम्प्टेड. कहने का मतलब है कि ये जो नवीनतम इतना समाज हो गया है, सब कुछ इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, यहाँ भी क्रिएटिविटी आपकी दिखेगी कि आप कैसे उसको कितने बेहतर तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं. तो इंटेलिजेंस इज स्ट्रॉन्गली क्रिएटेड विद, सॉरी, कोरिलेटेड विद क्रिएटिविटी. हम लोग बात कर चुके हैं क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस पे कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से सहसंबंध स्थापित रखते हैं. तो इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी से स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड है, एंड इट इज क्वाइट लाइकली दैट बोथ हैव ए सिमिलर न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस. और ये बहुत मतलब चूंकि बहुत कुछ एक जैसा है, अंतर है इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सिमिलैरिटी है कई हद तक, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि दोनों का एक न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस होगा, सेम सिमिलर. न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस मतलब कि उसके न्यूरॉन्स, उसका ब्रेन, ब्रेन की फंक्शनिंग में कुछ सिमिलैरिटी होगी. द जी फैक्टर इज, जी फैक्टर क्या है, जी फैक्टर और एस फैक्टर, जहां हम टू फैक्टर थ्योरी की बात इंटेलिजेंस की करते हैं वहां से आया है जी फैक्टर. द जी फैक्टर इज हाईली कोरिलेटेड विद वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी, परसेप्चुअल स्पीड, चॉइस एंड डिस्क्रिमिनेशन रिएक्शन टाइम्स. एंड द ब्रेन्स ऑफ क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट पीपल probably differ in the density of synaptic connections contributing to the richer structure of associations and more complex waveforms. वो ये कह रहा है कि ये संभव है कि जो जो intelligent people हैं, जो creative people हैं, उनका neurobiological basis हो एक, और वो कुछ हद तक उन लोगों से अलग होगा जो सामान्य सृजनात्मकता या रचनात्मकता या बुद्धिमत्ता रखते हैं. उनकी density कुछ अलग होगी, वो कुछ richer structure उनका association का होगा, ऐसी बातें की गई हैं. अब देखिए हम, क्योंकि ये हेमिस्फेरिसिटी थ्योरी है, और हेमिस्फीयर क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, देखिए ब्रेन का हिस्सा है, और इसको प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं. हम लोगों ने जब शुरुआती दिनों में विज्ञान पढ़ा, जब हम लोगों को ब्रेन पढ़ाया गया, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पढ़ाया गया, तो उसमें पढ़ाया गया है कि गोला ये होता है, कार्पस कैलोसम होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, ये सब पढ़ाया गया है. राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, है ना, इसका ये चित्र है आपके सामने. तो ब्रेन की फंक्शनिंग से, भाई सब कुछ कहाँ चल रहा है, दिमाग में ही तो चल रहा है ना, चिंतन कहाँ हो रहा है, दिमाग में हो रहा है. तो ईच इंडिविजुअल थिंग्स इन ए डिफरेंट वे फ्रॉम अनदर, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग तरीके से सोचता है, लेकिन फिर भी सबके सोचने में कुछ सिमिलैरिटी भी है. तो ये पाया वैज्ञानिकों ने कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो इज इन्वॉल्व इन सीक्वेंशियल मैटर्स, मैथमेटिक्स एंड लॉजिक. उन्होंने ये पाया कि जो हमारा बायां गोलार्ध है वो किस में इन्वॉल्व रहता है, वो सीक्वेंशियल मैटर के कामों में इन्वॉल्व होता है, वो मैथमेटिक्स और लॉजिक की जब हम रीजनिंग करते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है, सीज डिटेल्स एंड पुट्स देम टुगेदर टू फॉर्म द बिगर पिक्चर, और वो पूरी डिटेल को देखता है सब. जब हम ये काम करते हैं तो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होता है, वो बिगर पिक्चर के रूप में हमको चीजें प्रस्तुत करके देता है. हैंडल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉजिक एंड लव्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशन हैंडलिंग में हमारी हेल्प करता है, और जो लॉजिक लॉजिकल लोग होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने वाले लोग होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर उसमें इन्वॉल्व है. राइट पार्ट किसमें इन्वॉल्व होता है, द राइट पार्ट इज द रूट ऑफ अवर इमोशंस. देखिए ये सब
लिटरेचर में लिखा हुआ है, वहां से हमको पता चलता है कि जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है मस्तिष्क का, वो हमारे इमोशनल होने की वजह है, उसका रूट कॉज इमोशन का हमको राइट हेमिस्फीयर में मिलता है। इंट्यूशन एंड विजुअलाइजेशन, हम कितने इंट्यूटिव हैं, हम कितना विजुअलाइज कर सकते हैं चीज़ों को, सीज ऑल द विजुअल रेफरेंसेज एज ए होल एंड वर्क्स विद क्यूरियोसिटी एंड एसोसिएटिविटी। लेफ्ट तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर स्पेशलाइज्ड हो गया थॉट प्रोसेसेस के लिए, जो कि वर्बल हैं, सीक्वेंशियल हैं, लॉजिकल हैं, एनालिटिकल है ना, मतलब एनालिसिस करनी हो, लॉजिक में इन्वॉल्व होना, सीक्वेंस से, रूल से, रेगुलेशन से काम करना हो, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर। वेयर इज द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज स्पेशलाइज्ड फॉर थॉट पैटर्न्स दैट एम्फसाइज परसेप्शन की बात हो, सिंथेसिस की बात हो, होलिस्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ आइडियाज की बात हो, इंट्यूशन की बात हो, आपके क्या नाम है इमोशंस की बात हो, तो ये सब के लिए राइट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है। तो हम ये मतलब ये शुरुआती दिनों की देखिए खोज खबर है, तो ये पाया गया कि लेफ्ट हेमिस्फीयर इसमें इन्वॉल्व है, राइट हेमिस्फीयर इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अभी हेमिस्फेरिसिटी जान लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि हेमिस्फेरिसिटी, हेमिस्फेरिसिटी थ्योरी है, तो हेमिस्फेरिसिटी कहेंगे किसको, इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, एक तरीके से ये लोगों का विशेष गुण है जो हैबिचुअली एक्टिवेट, हु हैबिचुअली एक्टिवेट वन और द अदर सेरिब्रल हेमिस्फेयर रिगार्डलेस ऑफ द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट हेमिस्फेयर फॉर टास्क डिमांड्स। वो कह रहा है कि मतलब कुछ ये लोगों में अपना एक विशेष गुण होता है कि हम हैबिचुअल होते हैं कि हम कौन सा हेमिस्फेयर ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर ज्यादा हम यूज करते हैं कि राइट हेमिस्फेयर ज्यादा यूज करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिमांड ऑफ द टास्क, है ना। हमाद ने 1972 में पाया कि मैथमेटिशियंस हु आर रिपोर्टेड टू बी हाईली क्रिएटिव आर मोर लाइकली टू मेक हैबिचुअल यूज ऑफ राइट हेमिस्फेरिक कॉग्निटिव फंक्शंस देन मैथमेटिशियंस ऑफ लेसर क्रिएटिविटी। उसने पाया कि वो मैथमेटिशियंस गणितज्ञ जो ज्यादा क्रिएटिव हैं वो अपना राइट हेमिस्फेयर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो लेस क्रिएटिव है। तो एक ये प्रचलन रहा, आप कुछ एक आध आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि ये कहा जाता रहा कि जो राइट हेमिस्फीयर है वो क्रिएटिविटी से इन्वॉल्व है और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो लॉजिक से इन्वॉल्व है। लेकिन ये शुरुआती दौर की रिसर्चेस के परिणाम हैं। आपको पता होगा कि हमारा शरीर एक यूनिटरी होल की तरह काम करता है, हमारा ब्रेन होलिस्टिक वे में काम करता है। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या कर रहा है वो राइट हेमिस्फीयर को पता नहीं है, राइट क्या कर रहा है वो लेफ्ट को पता नहीं है, या दोनों का आपस में कोई जुड़ाव नहीं है, कनेक्शन नहीं है। तो अब आप आगे पाएंगे कि आप ये अंततः निष्कर्ष ये निकलेगा कि यस राइट हेमिस्फीयर ज्यादा आप कह सकते हैं कि उसमें रोल प्ले करता है, पर लेफ्ट हेमिस्फीयर का भी रोल है और दोनों ही हेमिस्फीयर मिलजुल के हमको क्रिएटिव बनाने में मदद करते हैं, इसका क्रक्स ये निकलेगा। लेकिन स्टिल ये रिसर्चेस में पाया गया है कि जो आपका राइट हेमिस्फीयर है वो क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, आर्ट्स, क्रिएशन, फीडिंग और इमेजिनेशन के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि लेफ्ट हेमिस्फीयर एनालिसिस, लॉजिक, आइडिया, फैक्ट्स, मैथ और ट्रेनिंग के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके और भी देख लीजिए ब्रेन का लेटरलाइजेशन, देखिए पार्श्वों को लेटरल साइड कहते हैं, तो राइट जो पार्श्व है हमारा वो इंट्यूटिव थॉट के लिए, होलिस्टिक परसेप्शन के लिए, रैंडम सीक्वेंसिंग, इमोशनल थॉट, नॉन वर्बल, एडवेंचरस, इम्पल्स, क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट, इमेजिनेशन, ये सारा। और आपका लेफ्ट है एनालिटिकल थॉट, डिटेल ओरिएंटेड परसेप्शन, ऑर्डर्ड सीक्वेंसिंग, मतलब सीक्वेंस से काम करें, रूल से काम करें, रूल्स, रेगुलेशन, एनालिसिस, रेशनैलिटी जिसमें तार्किकता आएगी, इन सब के लिए आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, ज्यादा जिम्मेदार है। अब ये बात हम कहेंगे कि क्रिएटिविटी इज बोथ राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, हम ये नहीं कहेंगे कि क्रिएटिविटी के लिए सिर्फ और सिर्फ राइट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है या जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो देयर इज ए मिथ फ्लोइंग अराउंड आउट दैट देयर दैट द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इज द सोल कीपर ऑफ क्रिएटिविटी। ये मिथ चला समाज में बहुत दिनों तक, लिटरेचर में चला, कि सिर्फ हमारा जो दायां गोलार्ध है वो क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार है। दिस आइडिया कम्स फ्रॉम ओल्ड रिसर्च ऑन द साइंस ऑफ क्रिएटिविटी, और जो पुरानी रिसर्चेस, देखिए पुरानी रिसर्चेस जब हुई तो उतना साइंस डेवलप नहीं था ना, तो साइंस ऑफ क्रिएटिविटी ने कहा, वहां से निकल के आया था ये, एज वेल एज ए जनरल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ सच रिसर्च। बट नाउ इट टर्न्स आउट दैट क्रिएटिविटी इज बोथ राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन इन नेचर। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि जो सृजनात्मकता का गुण है मनुष्य में, उसके लिए उसका दायां और बायां मस्तिष्क दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों जिम्मेदार होते हैं। इनफैक्ट बेस्ड ऑन न्यूअर रिसर्च इट्स सेफ टू से दैट प्रोबेबली एवरी ह्यूमन ट्रेट इज डूइंग बिजनेस इन बोथ हेमिस्फीयर्स। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई गुण नहीं है हमारे अंदर जिसमें हमारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध इसमें रोल प्ले ना करते हों।
and the way the two hemispheres relate with one another determines how demonstrative these traits will be from person to person. और ये जो दोनों गोलार्ध हमारे मस्तिष्क के आपस में किस तरीके से एक दूसरे से रिलेशन शो करते हैं वो ये सुनिश्चित करता है कि कोई सा भी क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, ये सारे गुण हम किस तरीके से पर्सन टू पर्सन वेरी होते हैं. इसके पीछे कारण ही यही है कि दोनों हेमिस्फीयर्स का रिलेशन एक दूसरे से कैसा है. सो इट्स द होल पैकेज, ये पूरा यूनिटरी है, होल है, सिस्टम है. इन द केस ऑफ द ब्रेन द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हेमिस्फीयर होना चाहिए था या लेफ्ट हैंड ही समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड एक्चुअली नोज व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग एंड दे वर्क टुगेदर. यानी कि मस्तिष्क के अगर हम केस में बात करें तो लेफ्ट हैंड को पता होता है कि राइट हैंड क्या कर रहा है, दोनों राइट को पता होता है लेफ्ट क्या कर रहा है और दोनों मिलजुल के काम करते हैं. यानी कि अब आप ये कहेंगे कि येस, आप कह सकते हैं कि राइट हेमिस्फीयर का रोल थोड़ा सा ज्यादा है, बट ये आप नहीं कह सकते कि लेफ्ट हेमिस्फीयर कोई रोल प्ले नहीं करता क्रिएटिविटी में. और अगर इसको समझें तो द ओवरऑल एविडेंस सजेस्ट दैट द राइट हेमिस्फीयर इज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी. यानी कि सृजनात्मकता के लिए मूलतः राइट हेमिस्फीयर जरूरत है निश्चित रूप से. द लेफ्ट हेमिस्फीयर दो इट मे प्ले अ पार्ट इन सर्टेन पॉइंट्स, बट कुछ जगहों पे, कुछ विशिष्ट बिंदुओं पे लेफ्ट हेमिस्फीयर भी अपना रोल प्ले करता है. इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस व्हेन इट डज नॉट एक्चुअली इंपीड क्रिएटिविटी. मतलब थोड़ी सी इसकी गुणवत्ता, थोड़ी सी इसकी महत्ता द्वितीयक हो जाती है, गौण हो जाती है. दिस सजेस्ट दैट क्रिएटिविटी इज ए राइट ब्रेन एबिलिटी. यानी कि हमारी क्रिएटिविटी जो होती है वो राइट ब्रेन की एबिलिटी है. कब? व्हेन ए पर्सन डील्स विद एन अनफेमिलियर सिचुएशन. यानी कि हम किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ गए हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नई है, अपरिचित है, तब हम क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं, तो ये राइट ब्रेन की एबिलिटी है. बट दैट क्रिएटिविटी ड्रॉज ऑन वेल लर्नेड लेफ्ट हेमिस्फीयर रूटीन्स व्हेन ए पर्सन इज एक्सपीरियंस्ड एट द टास्क. लेकिन एक ऐसे टास्क पे जिसके बारे में, जो हमारे लिए फेमिलियर है, जिसको हम जानते हैं, जिससे हम परिचित हैं, उस क्षेत्र में अगर हम क्रिएटिविटी का मतलब मुजाहरा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट हो रही है, तो वो लेफ्ट हेमिस्फीयर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो कह सकते हैं कि इफ क्रिएटिविटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट. अगर हम क्रिएटिविटी को ऐसे डिफाइन करें कि जो प्रोडक्ट निकल के आया उसकी क्वालिटी क्या है, जैसे एक सॉन्ग हो सकता है, इन्वेंशन हो सकता है, पोएम हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर अपना रोल प्ले करता है. ये हमको कहा है ड्रेक्सल्स जॉन कुनोइस ने, हु लेड दिस स्टडी अलॉन्ग विद डेविड रोजन के साथ इन्होंने स्टडी की. हाउ एवर इफ क्रिएटिविटी इज अंडरस्टूड एज ए पर्सन्स एबिलिटी. लेकिन अगर क्रिएटिविटी को हम ऐसे उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं कि वो व्यक्ति की योग्यता है कि वो नोवेल और अनफेमिलियर सिचुएशन से कैसे डील कर रही है, एज इज द केस फॉर नोविस इम्प्रोवाइजर्स, देन द राइट हेमिस्फीयर प्लेज द लीडिंग रोल. तब जो हमारा दाया गोलार्ध है वो लीडिंग रोल प्ले करता है. तो ये दोनों का खेल है. तो हम कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्लॉ इन द वेरियस थ्योरीज ऑफ राइट ब्रेन क्रिएटिविटी इज दैट क्रिएटिविटी एक्चुअली रिक्वायर्स द कैपेसिटीज ऑफ बोथ हेमिस्फीयर्स. यानी कि जो सृजनात्मकता का गुण मनुष्य में है वो उसके दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों की योग्यता, गुणवत्ता और कार्यक्षमता पर निर्भर करता है. क्रिएटिविटी इज नॉट ऑलवेज और एंटायरली इंट्यूटिव. हमेशा तो हम इंट्यूशन नहीं कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉट इवन रेडिकली ओरिजिनल, और हम हमेशा ही कुछ एकदम नया मूल निकाल रहे होते हैं जिसके के लिए राइट जरूरी है, तो लेफ्ट भी जरूरी है. तो क्रिएटिविटी इंस्टेड रिफ्लेक्ट्स ओरिजिनलिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस, इंट्यूशन एंड लॉजिक, इट रिक्वायर्स बोथ हेमिस्फीयर्स. तो एक्चुअली क्रिएटिविटी तो होल पैकेज ना, हम ओरिजिनलिटी भी है, एप्रोप्रिएटनेस भी है, इंट्यूशन भी है, लॉजिक भी है, तो लॉजिक के लिए तो लेफ्ट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों हेमिस्फीयर अपना रोल प्ले करते हैं. जैसा कि कैड्स ने 1997 में कहा कि क्रिएटिव एक्टिविटी कैन नॉट बी लोकलाइज्ड एज अ स्पेशल फंक्शन यूनिक टू one of the cerebral hemispheres, rather productive thought involves the integration and coordination of processes subserved by both hemispheres. यानि कि हम अंततः निष्कर्ष के रूप में कहेंगे कि हमारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध हमको क्रिएटिव बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं. ओके, तो आपके कोर्स में इस बार क्रिएटिविटी की तीन थेरीज थी. एक थी थ्योरी ऑफ गिफ्टेडनेस जो आपसे डिस्कस हो गई, फिर टेलर्स थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी वो डिस्कस हो गई, फिर हेमिस्फेरिसिटी थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी वो भी डिस्कस हो गई. यानी कि तीनों थ्योरी मैंने क्रिएटिविटी की आपसे डिस्कस कर ली हैं. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ओके.